तो अगर आपके मोबाइल फ़ोन का वॉच टाइम 7-8 घंटे हैं देन डेफिनेटली इट इज़ हैम्परिंग योर प्रिपरेशन। और मीट जे को कम टाइम भी है तो इस मोबाइल एडिक्शन से कैसे बचना चाहिए और कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए, तो जस्ट गिव मी 4 मिनट्स और मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। तो बहुत ज़्यादा टाइम अगर आपका इंस्टाग्राम पे जाता है या फेसबुक पे जाता है तो क्या सही ऑप्शन है, उसको डीएक्टिवेट कर देना? नहीं, क्योंकि उससे आपको और मन करेगा कि वहाँ और क्या चल रहा है, दिमाग में वही घूमता रहेगा। बुक खोल के तो बैठे रहेंगे लेकिन दिमाग में यही रहेगा कि वहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है। तो क्या करना चाहिए, तो पढ़ते वक्त मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट होने को ख़त्म करने के लिए क्या करना सबसे सही है, क्या करना है मैं बताता हूँ। 95% स्टूडेंट्स जब पढ़ने बैठते हैं तो वो अपने साथ फ़ोन लेके बैठते हैं ताकि अगर कुछ डाउट आए तो तुरंत फ़ोन पे सर्च करें और उसे क्लियर करके फिर आगे पढ़ाई करें, या उन्हें आदत होती है कि फ़ोन पे साथ में रखें। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जब हमारे आसपास फ़ोन होता है तो हम रिजिस्ट नहीं कर पाते हैं फ़ोन को उठाने से। और अगर उस समय कोई नोटिफिकेशन आती है व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे, तो वो नोटिफिकेशन सब मोबाइल में ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि वो हमें कंपेल कर दे कि हम उस फ़ोन को अभी उठा के तुरंत नोटिफिकेशन चेक करें। और अगर पढ़ते वक्त आप नोटिफिकेशन चेक करेंगे तो फिर आपका दिमाग पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाएगा और आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो मेरी ये एडवाइस है कि जब आप पढ़ने बैठे 2 घंटे का अगर टारगेट सेट किए तो 2 घंटे फ़ोन को एक अलग रूम में साइलेंट करके या नेट ऑफ करके उसे रख दें, ताकि उसकी नोटिफिकेशन की का जो साउंड है वो आपके कान तक नहीं आ रहा, पूरी तरह से फोकस्ड रहे। भी डाउट आया है वो 2 घंटे की पढ़ाई में, वो तो अगले 15 मिनट में जाके उसे उस फोन से सॉल्व कर सकते हैं, देख के कि क्या कैसे किसको करना है। लेकिन वो पढ़ाई करते वक्त 2 घंटे फ़ोन को अपने साथ लेके नहीं बैठना है, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको सब इग्नोर करते हैं। अब एक बार ट्राई करके देखना, अगर ये कामयाब हो रहा है तो फिर कमेंट्स में बताना कि सच में ये एक इफेक्टिव मेथड था। और फ़ोन यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई करते वक्त फ़ोन अपने रूम में ही नहीं होना चाहिए। आप जिस स्टडी टेबल पे बैठे हैं, मतलब आपने अगर पूरा अरेंज करके बैठे स्टडी टेबल पे बैठे हुए हैं, और अगर फ़ोन दूसरे रूम में और वहाँ पे नोटिफिकेशन की आवाज़ आती भी है तो भी आपको उठ के जाने में लगेगा कि मम्मी क्यों जाऊँ, मैं कंप्लीट करके जाऊँगा। तो ऐसा एक साइकोलॉजिकली भी आप उठने का मन नहीं करेगा आपको, और चाहेंगे कि पूरा कंप्लीट करूँ मैं उसके बाद ही फ़ोन के पास जाऊँ, और अगर फ़ोन बगल में होगा तो फिर पता ही है। और अगर आपके पास एक टाइम टेबल फॉलो करने के लिए नहीं है, एक गोल फॉलो करने के लिए नहीं है, तो फिर बहुत नुकसान हो सकता है। तो इस नुकसान को कैसे कम करना, टाइम टेबल बना तो लेकिन टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पा रहे, और ये भी 95% बच्चों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। क्योंकि जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपना डे को प्लान नहीं कर पाते, क्योंकि 10 से 1 मुझे पढ़ाई करनी है तो हो सकता है कि 10 से 1 कुछ काम आ जाए। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप टाइम टेबल बनाइए ही मत। टाइम टेबल नहीं बनाना है, टाइम टेबल बनाने आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। अगर टाइम टेबल आप फॉलो कर लेते तो ठीक है, लेकिन नहीं कर पा रहे तो सुने कि हर दिन एक टारगेट सेट करें, जैसे कि एक रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल टारगेट सेट करना है। जैसे कि अगर आपको पता है कि मैं एक दिन में हो सकता है रोटेशन को पूरा कंप्लीट कर लूँ और थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर लूँ, तो बोलिए कि आप मैं आज जैसे कि अगर मंडे है तो मैं मंडे को ये दोनों चैप्टर पूरी अच्छे से पढ़ लूँगा और ट्यूसडे को मैं सॉल्व करूँगा। और टाइम अपने हिसाब से आपको देखना है, आपको उस टाइम टेबल में बंधना नहीं है। जैसे कि अगर आप 10 से 1 नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप थोड़ी देर समय उस समय ब्रेक ले लीजिए और बाद में पढ़ाई करिए, लेकिन एंड ऑफ द डे आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट होना चाहिए। बट अगेन हो सकता है कि आप ये टारगेट भी कंप्लीट करने के लिए मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा हो, तो इसके लिए क्या करना है कि ऐसा रूल बनाना है कि अगर मैंने आज के टॉपिक कंप्लीट नहीं किए तो मुझे उसे कल करना पड़ेगा, कल के नहीं किए तो फिर परसों करना पड़ेगा। तो ऐसे एक साइकोलॉजिकल फैक्टर दिमाग में घूमेगा कि अगर मैंने आज टाइम पास किया तो कल मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं आज कम टाइम पास करूंगा, आज मैं 1 घंटे कम सोऊंगा, लेकिन मैं आज के सारे टॉपिक्स अच्छे से कंप्लीट करूंगा और कल फिर मैं कल के टॉपिक करूंगा। तो इससे भी आपको एक बूस्ट मिलेगा और ऐसे मोटिवेटेड रहेंगे कि मुझे आज के आज ये सब कंप्लीट करना ही है। तो समरी यही है कि फ़ोन एडिक्शन अगर हो रहा है तो फ़ोन यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपका वॉच टाइम 4-5 घंटे से कम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस पढ़ते वक्त फ़ोन अपने पास नहीं होना चाहिए। पढ़ाई का टाइम सिर्फ पढ़ाई का टाइम, और पढ़ाई के बाद फोन चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम टेबल से स्टिक होने की जरूरत नहीं, अगर आप टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो ये टारगेट सेट करना ज़रूरी है। टारगेट भी रियलिस्टिक होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए कि जो आपको एंड ऑफ द डे फ़ायदा दे। तो ऐसे ही टॉपिक सेट करो एक हफ्ते के और उसके बाद उसे हर दिन कंप्लीट करने की ट्राई करो। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और हेल्प मी रीच 1000 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू।